ये क्यूट पपी और एंजल प्रिया कौन है मेरी क्लास में? है? अरे बेटा साक्षी, ये पीपीटी से वीडियो में कैसे कन्वर्ट होती है फाइल? अरे ये जूम कॉल कैसे ऑपरेट करते हैं? गूगल मीट ज्यादा सिंप्लीफाइड होती है क्या? आयुष आप अपना ऑडियो म्यूट करिए ऑडियो। सैलरी आधी और काम डबल हो गया, कब दिन होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता इस लैपटॉप के आगे। थैंक यू बेटा तूने बता दिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड जैसे भी मैनेज हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस देने से पहले तो मुझे लेनी पड़ेंगी कि कैसे दूं मैं ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ये लंच ब्रेक नहीं है, सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास है, बाद में खा पी लेना। बेटा आपको ऑनलाइन पीटीएम में बताया था ना कि मंडे को टेस्ट है, भूल गए आप? अच्छा आपने अटेंड नहीं करी थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सोशल नोशन। ऑनलाइन टीचिंग में टीचर्स को अब्यूज करना, वीडियो ऑफ करके चले जाना, असाइनमेंट्स इग्नोर करना और रात के 11-11:30 बजे कॉल करके टीचर्स को क्वेरी करना कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया है। बट आप में से किसी ने भी ये सोचा है कि आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में टीचर्स कितने डेडिकेशन के साथ दिन रात लगी रहती हैं? बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इस पे वीडियोस बनाई, पैरोडीज बनाई और उसे बस वहीं पे खत्म कर दिया। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि उनकी रियल स्ट्रगल क्या है, क्या उनको चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ते हैं ऑनलाइन टीचिंग में। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, द डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एरिया। So let's move on to the today's topic, online teaching, the real struggle of teachers. Ever since the lockdown has been announced, most of the parents are just concerned about not paying the fee. No school, no fee. As simple as that. वहीं मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जी फलानी चीज की फी नहीं आ रही है तो टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे पर काम पूरा करवाएंगे। टीचर्स बिना रिसोर्सेस के दिन रात करके वीडियोस बना रही हैं। सैटरडे संडे सब एक दिन जैसा हो गया है। 24-25 साल की सर्विसेज होने के बाद भी आज ये हालत है कि उनकी जॉब्स पर भी खतरा मंडरा रहा है कि कल को जॉब रहेगी या नहीं। ऐसे में जब न्यूज वायरल होती है तब सब एकदम से हैशटैग्स ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं, मिसबिहेविंग विद टीचर्स। तो अब ताजा पककर एक मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी रिवॉल्व कर रहा है कि एक टीचर को बच्चे ने ऑनलाइन टीचिंग में अब्यूज किया है। ये कोई नई बात नहीं है, बस ये मुद्दा अब सामने आया है। इसके अगेंस्ट काफी अवेयरनेस मीम्स भी बने हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बट कब तक? और क्या यही प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन टीचिंग में? नहीं, डिसरिस्पेक्टिंग द टीचर्स। कोई वीडियो ऑफ करके चले जाता है तो कोई इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देता है। बार बार रिक्वेस्ट करने और हजारों रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी लोगों का रिस्पांस नहीं आता। पेरेंट्स इतना केयरलेस होते हैं या फिर बिल्कुल ही केयरफ्री हो जाते हैं। टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमारी जनरेशन को टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ पहले से ही पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी को उस चीज की नॉलेज हो। मैंने खुद बहुत क्लोजली लोगों को ऑब्जर्व किया है, टीचर्स को ऑब्जर्व किया है कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस देने से पहले खुद क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उन्हें एक पीपीटी बनाने में, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मैंने बहुत क्लोजली ये चीज ऑब्जर्व करी है। टीचर्स वर्सेस टीचर्स। अच्छा बच्चों की तरफ से जो प्रॉब्लम रहती है सो रहती है, टीचर्स को मैनेज करने के लिए लेट अस से जो इंचार्ज होती हैं उनके लिए टीचिंग के साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि दूसरे टीचर्स को वो कैसे समझाए कि ऑनलाइन चीजें कैसे प्रोसीड करेंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट सम टीचर्स आर डम, आई वॉन्ट टू से कि कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो बिना एफर्ट्स डाले या फिर बहुत ही कम एफर्ट्स डाले अपना काम पूरा करना चाहती हैं, या फिर बस उन्हें कुछ गोल्डन प्लैटर में दे दो और वो आगे जाके कॉपी पेस्ट कर दें। गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिडिल क्लास के लिए तो ऐसा है कि घास में तिनके के बराबर। 40% या 50% सैलरी डिडक्शन हो रही है तो होने दो, मोटी रकम उनके पॉकेट में तो जा रही है ना। ऑनलाइन एग्जाम्स।
वेल, इस किस्से से अब तक कौन अनजान रहा है भला। एग्जाम्स अब होंगे, अब नहीं होंगे, अच्छा अब की बार तो पक्का हो जाएंगे, अरे पर रिसोर्सेज नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स में एग्जाम कंडक्ट कराने पर पेरेंट्स के भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने तैयार रहते हैं सो दैट उनके बच्चे एग्जाम्स में अपियर ना हो। यू सी, कॉमेडी और पैरोडी वीडियो बनाकर इस बात को खत्म करने से बेटर है कि हम सेंसिबली बैठकर इस बारे में सोचें कि किस तरफ हम टीचिंग को लेकर जा रहे हैं। टीचिंग यूज टू बी द सेफेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल जॉब ऑफ यू इयर्स अगो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना यहाँ पे रिस्पेक्ट है, ना ही कोई वैल्यू है, ना ही कोई रिकॉग्निशन है। मस्ती मजाक सब अपनी जगह है, लेकिन टीचर्स को अब्यूज करना इज नॉट कूल। सो एट लास्ट आई वुड से कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। यार बहुत मेहनत करती हैं वो आप लोगों को एजुकेशन के टच में रखने के लिए। टेक एवरीथिंग सीरियसली दे से, पार्टिसिपेट इन द लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड सेशंस कंडक्टेड बाय योर टीचर्स। इफ दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू देन प्लीज लाइक एंड कॉमेंट योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। Thank you for watching.